हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द बेस्ट इन्फॉर्मेटिव चैनल ऑफ कॉमर्स। तो आज मैं फिर अपना ब्रांच अकाउंट ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रांच अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम पार्ट वन स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो ब्रांच अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें यूनिवर्सिटी पेपर्स का, इट हैज़ बीन अपेयरिंग फॉर मैनी टाइम्स रेगुलरली इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो अब यहाँ पे हमने किया ब्रांच अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट ब्रांच अकाउंट के बारे में, कि ब्रांच अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, एंड हेड ऑफिस इज़ द कंट्रोलर ऑफ ब्रांच। इसलिए हेड ऑफिस ही अपनी बुक्स में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करता है, ताकि देखा जाए कि कितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस अर्न किया। तो यहाँ पे हम लेते हैं ब्रांच अकाउंट, तो ये होगी इलस्ट्रेशन नंबर वन जैसा हमने लिया, और मैं अपीयर कर रहा हूँ यहाँ पे होगा डेटर सिस्टम। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेटर सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन प्रिपेयर की है जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं बाय प्रिपेयरिंग इलस्ट्रेशन। तो अब मैंने ये डेटा लिया, मेरे पास ओपनिंग एसेट्स भी हैं ब्रांच अकाउंट में इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, एक मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन ली है दैट हैज़ अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। ये पेपर में भी अपीयर हो चुका है कि गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच भी हमें गिवन है, एंड गुड्स इन ट्रांजिट भी है। तो ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, कैश रिमिटेड टू एचओ, इट इज़ आल्सो गिवन, कैश सेल्स आर गिवन, क्रेडिट सेल्स आर गिवन, बैड डेट्स आर गिवन, डिस्काउंट अलाउड इज गिवन, एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन 10% पर एनम वी हैव टू चार्ज, देन क्लोजिंग एसेट्स आर गिवन। Now I have to prepare the branch account in the books of head office. तो जब भी हमें ब्रांच अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पे हम लेंगे ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2018 एज इन माय एग्जांपल, ओपनिंग एसेट्स आर गिवन एंड क्लोजिंग एसेट्स आर गिवन। अब सबसे पहले हम लेते हैं ब्रांच अकाउंट। अब यहाँ पे होगा डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जब भी हम ब्रांच अकाउंट बिगिनिंग में स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले अपीयर होती हैं ओपनिंग एसेट्स। तो ओपनिंग एसेट्स में मुझे गिवन है डेटर्स 1118, दीज आर ओपनिंग डेटर्स। तो हमने डेटर्स में लिखा 10,000, हमने पोस्ट कर दिया। उसके बाद होगा स्टॉक, ये भी हमारा अपीयर हो रहा है 15,000, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन। देन फर्नीचर इज गिवन 20,000, अब ओपनिंग बैलेंस में हमारा फर्नीचर भी गिवन है 20,000। अब उसके बाद जो एंट्री होती है वो होती है ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब हमारी इस इलस्ट्रेशन में इट हैज़ अपीयर्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इस कन्फ्यूजन के लिए मैंने यहाँ पे सेम एग्जाम्पल लिया कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे गिवन है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,50,000 एंड गुड्स इन ट्रांजिट, ये हमें गिवन है। अब किसी स्टूडेंट ने अगर गुड्स इन ट्रांजिट को कंसिडर करना है, ही वांट्स टू कंसिडर द गुड्स इन ट्रांजिट, कोई भी अगर स्टूडेंट इसको लेना चाहता है, तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो यहाँ पे हमें गुड्स सेंड टू ब्रांच अगर प्रिपेयर करना होगा, वो बनेगा 1,50,000 प्लस 15,000। तो हमें यहाँ पे लेना होगा 1,65,000, और क्रेडिट साइड में हम अपीयर करके लिख देंगे बाय गुड्स इन ट्रांजिट 15,000। इट मींस हमारा जो नेट इफेक्ट होगा यहाँ पे 1,65,000 होगा और यहाँ पे 15 होगा, इट मींस हमारा नेट इफेक्ट होगा 1,50,000। अब ये हमने अगर इसको हम इग्नोर भी कर दें गुड्स इन ट्रांजिट को, तो मैंने अब इसको इग्नोर किया अपनी इस इलस्ट्रेशन में, हमने लिया ही नहीं है, हमने नेट ले लिया गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। अगर हम रिसीव्ड लेते हैं तो हमें 1,50,000 लेना है। अगर हमें गुड्स इन ट्रांजिट को क्रेडिट साइड में शो करना चाहते हैं, तब हमें यहां पे गुड्स सेंड टू ब्रांच बनाना पड़ेगा, कितनी गुड्स भेजी गई ब्रांच को, तो वो हमें वहां पे 1,65,000 प्रिपेयर करना
पड़ेगा और 15 को हमें क्रेडिट में करना पड़ेगा। अल्टीमेटली मेरा 1,50,000 ही रहेगा। अब हमने इस इलस्ट्रेशन में मैंने सिर्फ रिसीव्ड लिया 1,50,000 ओनली और इसको हमने इग्नोर कर दिया गुड्स इन ट्रांजिट। जब भी हम रिसीव ही लेते हैं पेपर में, डेबिट में लेते हैं रिसीव्ड बाय ब्रांच, तो गुड्स इन ट्रांजिट लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दैट विल बी ऑलवेज इग्नोर्ड, उसको इग्नोर कर दिया जाए, चाहे पेपर में हमारे ट्रांजैक्शन गिवन भी क्यों ना हो, तो इसको हमने अब इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिया गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 1,50,000। उसके बाद हम आ रहे हैं, अब इन्होंने खर्चे कितने सेंड किए। अब हमारा जो एचओ है वो एक्सपेंसेस को सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, उन्होंने सेंड किया 25,000। अब जब गुड्स के बाद हमारी बारी आती है एक्सपेंडिचर की, अब यहाँ पे एंट्री बनेगी ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू कैश बिकॉज एक्सपेंसेस आर रीइंबर्स्ड बाय एचओ, हेड ऑफिस उनको रीइंबर्स कर रहा है और ये 25,000 यहाँ पे डेबिट आएंगे। तो ये हमने पहले ओपनिंग एसेट को डेबिट किया, उसके बाद रिसीव्ड को किया, उसके बाद हमने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। अब गुड्स इन ट्रांजिट की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि हमने यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड ही ली हैं। अगर हम यहाँ पे सेंट लेते हैं, भेजी गई गुड्स लेते हैं, तब हमें क्रेडिट में गुड्स इन ट्रांजिट करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे नो नीड फॉर गुड्स इन ट्रांजिट। अब उसके बाद हम आते हैं कैश, उसके बाद आएगा कैश रिमिटेड टू एच ओ। अब एच ओ को ब्रांच ने कितना कैश रिमिट किया, हमारी इलस्ट्रेशन में गिवन है 3,00,000, तो इसकी एंट्री आएगी बाय कैश। जब हम रिमिट करते हैं तो ये क्रेडिट साइड में आ जाता है बाय कैश, इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच। अब ब्रांच से कैश मिल रहा है और टोटल अमाउंट होगा 3,00,000। अब टोटल उनको 3,00,000 मिल रहा है। अब कहता है कैश सेल गिवन है 1,00,000, इसका मतलब कैश सेल अगर 1,00,000 है तो 3,00,000 में से अगर हम कैश सेल 1,00,000 को डिडक्ट करें तो रिमेनिंग कंपोनेंट बनेगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, हम टू कंपोनेंट्स को सेंड करते हैं अपने एचओ को, वन होता है कैश सेल, सेकंड होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर रिमिटेड में से कैश सेल डिडक्ट कर दिया जाए तो हमारा आंसर हो जाता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम जो डेटर होंगे ये हमारे पास बनेंगे 2,00,000 और इसका मैंने स्मॉल वर्किंग नोट भी बनाया है। तो यहाँ पे करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज इक्वल टू कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस माइनस कैश सेल। जितना हमने एचओ को कैश रिमिट किया उसमें से अगर कैश सेल को माइनस कर दिया जाए तो रिमेनिंग आंसर होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो बनेगा 2,00,000। इसका मतलब हमने 3,00,000 रिमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज कैश सेल, सेकंड इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ऑलवेज हम टू कंपोनेंट ही सेंड करते हैं, तो टोटल अमाउंट यहां पे बनेगा 3,00,000, तो हमने 3,00,000 को सेंड कर दिया। अब आता है क्लोजिंग एसेट। अब क्लोजिंग एसेट में उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया 15,000, तो हमने बाय बैलेंस कैरी डाउन में स्टॉक को मेंशन कर दिया, दैट इज 15,000। अब रिमेनिंग होगा, कहता हमें डेप्रिसिएशन करनी है, 10% हमें डेप्रिसिएशन करनी होगी फर्नीचर की। अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का गिवन है यहाँ पे, दैट इज़ गिवन 20,000। अब 10% हमारा जो ब्रांच अकाउंट फुल ईयर वर्क कर रहा है, फुल ईयर इसने काम किया, तो डेप्रिसिएशन हमारी बनेगी 20,000 एट द रेट ऑफ 10%, दैट विल बी 2,000। इट मीन्स रिमेनिंग फर्नीचर विल बी शोन इन द क्लोजिंग एसेट, वो बनेगा 20,000 माइनस 2,000, यानी डेप्रिसिएशन हैज बीन कंज्यूम्ड बाय यूजिंग फर्नीचर, इट मींस 18,000 रिमेनिंग वैल्यू विल बी देयर। हमने ओपनिंग 20 लिए और क्लोजिंग फर्नीचर अब हमारे पास 18,000 आएगा क्योंकि हमने 10% कंज्यूम कर लिया फर्नीचर को, तो दैट विल बी डेप्रिशिएटेड। तो 2,000 हमारा कंज्यूम हो गया, तो रिमेनिंग हमने 18,000 को यहाँ पे शो करना है, तो ये हमने कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। अब हमारे पास कुछ
ट्रांजैक्शन इस प्रकार हैं जिसको हमें ब्रांच अकाउंट में कभी कंसीडर नहीं करना। एक होता है क्रेडिट सेल, ये भी हमें डेटर अकाउंट में कंसीडर करने हैं। बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, सेल रिटर्न, इन सारे एक्सपेंसेस को हम ब्रांच डेटर अकाउंट में कंसीडर करेंगे। एंड आई हैव टू कैलकुलेट ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग, क्योंकि हमें ओपनिंग डेटर गिवन है, क्लोजिंग डेटर्स आर नॉट गिवन। तो हमें वर्किंग नोट बनाना होगा और वर्किंग नोट में हम अपने ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेटर, दीज आर गिवन 10,000, इसको हमने पोस्ट किया ओपनिंग डेटर में। उसके बाद आती है क्रेडिट सेल। अब सेल की एंट्री होती है ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल। क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन हमारे ब्रांच डेटर में आती हैं, तो डेटर हमारे बढ़ रहे हैं, सेल हो रही है, क्रेडिट सेल हो रही है, तो यहाँ पे हमें करना है ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल क्रेडिट। तो ये 4 लाख मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, क्रेडिट सेल आ गया 4 लाख। अब हमें कैश कितना मिला डेटर से, क्योंकि हमने रिमिट एचओ को किया 3 लाख, जिसमें 1 लाख हमारा कैश सेल का कंपोनेंट है। अगर हम कहते हैं टोटल रिमिटेड माइनस कैश सेल, अगर कैश सेल को माइनस कर दिया जाए तो हमारा आंसर बनता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। तो हमने डेटर से कितना लिया होगा, तो डेटर से हमें प्राप्त हुए होंगे 2 लाख, ब्रांच वालों को मिले 2 लाख, और यही मनी हमने एचओ को रिमिट करनी है। तो यहां पे हमने 2 लाख रिमिट कर दिया और यहां पे एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर 2 लाख, क्योंकि हमने यहां पे 2 लाख रिसीव किए थे, उसकी एंट्री डेटर अकाउंट के क्रेडिट में आएगी और ये हम लिखेंगे बाय कैश 2 लाख। अब सिमिलरली देयर आर बैड डेट्स, जब बैड डेट्स होते हैं तो हमारे डेटर डिक्रीज होते हैं, हमें लॉस होता है, तो ये भी डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपीयर होंगे। तो यहां पे हमें करना होगा बाय बैड डेट, कितने बैड डेट्स हुए 10,000। उसके बाद होगा डिस्काउंट अलाउड, जितना हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं डेटर को उतने डेटर हमारे डिक्रीज होते हैं। जब भी हमारे डेटर डिक्रीज होंगे उनको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, जब डेटर इंक्रीज होंगे तो उनको हम डेबिट साइड में इंक्रीज करते हैं। अब डिस्काउंट अलाउड में डेटर हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो ये हमारे होंगे 15,000, तो इसको हमने 15,000 कर दिया। अब सिमिलरली सेल रिटर्न या रिटर्न बाय कस्टमर, ये भी मेंशन हो सकता है, कस्टमर वर्ड भी हो सकता है या सेल रिटर्न भी होगा। जब सेल रिटर्न हमारा अपीयर होता है ट्रांजैक्शन में तो ये डेटर अकाउंट को इफेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हमें करना है बाय सेल रिटर्न 1,20,000, तो हमने ये 1,20,000 को क्रेडिट किया, तो ये सारे ट्रांजैक्शन है। अब डेबिट का टोटल आता है 4,10,000, क्रेडिट का टोटल है 3,45,000, इट मींस क्लोजिंग डेटर्स आर 65,000 बैलेंस फिगर। अब यहाँ से हमने जो क्लोजिंग डेटर कैलकुलेट किए उनको हमें पोस्ट करना होगा ब्रांच के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे हमें मेंशन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग डेटर 65,000। ओपनिंग से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था डेटर अकाउंट को और क्लोजिंग में बनेंगे 65,000, ये होंगे हमारे क्लोजिंग डेटर। अब फर्नीचर हम पहले ही पोस्ट कर चुके हैं, 20,000 ओपनिंग था, 10% हमने डेप्रिसिएशन को कंज्यूम किया, इट मींस 2,000 हैज बीन यूज, नाउ 18,000 का फर्नीचर हमारे पास होगा। तो ये वर्किंग नोट को हमने पुट कर दिया एज क्लोजिंग डेटर 65,000 हेयर। अगर ओपनिंग हम कैलकुलेट करते तो ओपनिंग ऊपर ले जाते, अब ओपनिंग हमें गिवन था तो हमने क्लोजिंग को कैलकुलेट किया, ये सारे ट्रांजैक्शन हमने लिए। अब क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 3,98,000 और डेबिट का टोटल होता है 2,20,000, इट मींस ब्रांच इज अर्निंग प्रॉफिट एंड दैट विल बी 1,78,000 टू जर्नल P&L इन ब्रैकेट प्रॉफिट, दैट विल बी 1,78,000। इन दिस we have to prepare the simple branch account with the help of branch debtors account. Debtor account हमें prepare करना होता है, क्योंकि opening debtor given होते हैं, closing are missing, तो closing की calculation मुझे branch debtor account बना के करनी पड़ती है। और debtor account हमारा बढ़ता है, debit तब होता है जब debtor हमारे increase होते हैं, और branch debtor हमारे जब decrease होते हैं तो वो credit side में आता था, तो इसलिए कुछ transaction जो हैं वो हमें branch debtor
लेटर में ही लेने हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हमें मेन ब्रांच अकाउंट में लेने हैं और ब्रांच डेटर का इफेक्ट हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोजिंग एसेट और ओपनिंग एसेट। तो ये हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ हमारे स्टैंडर्ड है कि किस प्रकार हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो मेन मैंने ये बात करनी, जब भी हमें गिवन हो कैश रिमिटेड टू HO, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, तो हमें ये माइंड में रखना है देयर आर ऑलवेज टू कंपोनेंट। रिमिटेंस में टू कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कैश सेल, एक होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर हमें कैश सेल गिवन होगा तो ये हम माइनस कर लेते हैं तो रिमेनिंग आंसर जो होता है वो होता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ये हमें माइंड में रखना है और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर को हमें डेटर अकाउंट में भी लेके जाना होता है और कैश रिमिटेंस में भी हम पूरा अमाउंट रिमिट करते हैं, जो इसमें दो ही कंपोनेंट होते हैं कैश सेल और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ये हम HO को रिमिट करते हैं, दैट इज रिमिटेड टू HO। सो इन दिस वे, इन दिस इलस्ट्रेशन आई हैव प्रिपेयर्ड ए सिंपल ब्रांच अकाउंट दैट मे बी अपीयरिंग इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे हमने गुड्स इन ट्रांजिट को इग्नोर किया। जब हम लेते हैं गुड्स रिसीव्ड, जब हमने रिसीव्ड को डेबिट कर लिया तब मुझे गुड्स इन ट्रांजिट रास्ते में जो गुड्स रह गई उसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम करते हैं गुड्स सेंड टू ब्रांच, अगर गुड्स सेंड टू ब्रांच को हम डेबिट कर रहे हैं, वो डेबिट कब होगा, मुझे गुड्स रिसीव्ड में गुड्स इन ट्रांजिट को पहले ऐड करना होगा, उसको पहले गुड्स सेंट बनाना होगा कितनी भेजी गई, और सिमिलरली फिर मुझे क्रेडिट में गुड्स इन ट्रांजिट को फिर क्रेडिट करना होगा। अगर हम इनको करना चाहते हैं तो ये भी राइट होगा, या हम ओनली ले सकते हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। एक बार हमने रिसीव्ड को डेबिट कर लिया तब हमें गुड्स इन ट्रांजिट को बिल्कुल इग्नोर करना है, उसको हमें पेपर में कंसिडर नहीं करना, चाहे वो आइटम हमें गिवन भी क्यों ना हो, इसको हमने अब इसको इग्नोर किया क्योंकि हमने कंसिडर किया ओनली गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। तो गुड्स इन ट्रांजिट को हमने टोटली इग्नोर कर दी जब हमने नेट रिसीव ही ले लिए। अब रास्ते में कितनी गुड्स रह गई हैं, दीज आर नॉट कंसिडर्ड क्योंकि हमने नेट रिसीव्ड ही ले ली हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो ये हमने अभी सिंपल लिया, इसके बाद मैं इनवाइस प्राइस के भी करना चाहूँगा, इसके बाद हम स्टॉक डेटर के बारे में भी डिस्कशन करना चाहेंगे, उसके बाद थोड़ा होलसेल प्राइस के बारे में भी हम करना चाहेंगे। प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ शेयर दीज इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब दीज इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ सो दैट वी मे बी इनकरेज टू शेयर फर्दर नॉलेज ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द कॉमर्स। प्लीज़ थैंक यू वेरी much.